दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूं, जिसका शीर्षक है क्या सीखने की प्रक्रिया गतिविधि है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना भी मत भूलिएगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी और मैं आप सभी का आभारी रहूंगा। तो चलिए शुरू कर। पल रहा बच्चा भी गतिविधि करते हुए सीखने की प्रक्रिया को अपनाता है। शिशु के बाहर दुनिया में आते ही पर्यावरण के साथ मिलकर शुरू होता है गतिविधियों का सिलसिला। कुछ भी सीखने से पहले शिशु, बालक या जीव एक बार या कई बार गतिविधि करता है, तभी वह सीखता है। जैसे बालक को चलने, बोलने, खाने तक के लिए गतिविधि बार बार करना पड़ता है, तब कहीं वह सीख पाता है। भाषा की शुरुआत सबसे पहले सुनकर व देखकर पहचान कर बोलने का अभ्यास करते हुए वह भाषा सीख जाता है। खेल से पर्यावरण से जुड़कर अपने दिमाग में ज्ञान को संचित करता जाता है। हजारों ज्ञान, भाषा और जिज्ञासा लेकर बच्चे सीखने के लिए विद्यालय आते हैं, जहाँ उनके सीखने और शिक्षक के सिखाने में अंतर आता है। वो सारी बातें जो प्रकृति से सीख कर आए हैं ब्लैक बोर्ड में ना सिमट जाए, इसलिए जरूरी है गतिविधि। तो आइए बात करते हैं वे कौन सी गतिविधियाँ होगी जिनसे बच्चे मज़े लेकर कर सकते हैं और क्या क्या सीख सकते हैं। यदि बच्चा चित्रकारी करता है तो उस चित्र से उसकी भावनाएं जुड़ी हुई है। उस आढ़ी तिरछी लाइनों में उसका घर होगा, मित्र होंगे, उसका पालतू पशु कुत्ता होगा, नदियाँ और पूरा उसका ख्वाब। रंगों की धब्बों में सतरंगी अद्भुत संसार पर्यावरण से जुड़कर पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, सर्प, छिपकली, तितलियाँ, चींटियों और कई चीज़ों के बारे में सीख जाता है। रंगों का ज्ञान तो प्रकृति से हो जाता है। नीले आसमान में सुनहरे सूर्य और पेड़ों के हरे रंग, फूलों के रंग, इंद्रधनुष के रंग उसे आकर्षित करती है। गतिविधि को इसलिए आपने देखा होगा बच्चे कभी भी शांत नहीं बैठते, क्योंकि वे कुछ न कुछ गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। अवलोकनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि बच्चे खेल खेल में ही अधिक सीखते हैं, जिसमें वे बोलना और भाषा का ज्ञान उन्हें खेल से ही हो जाता है, क्योंकि खेल अति महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें वे गीत और ऐसे खेल जिसकी रचना वे स्वयं करते हैं और ऐसे गीत गाते हैं जिससे वे समाज को भी अपने साथ लेकर खेल खेलते हैं, और जो भी वो पर्यावरण में देखते हैं उसके अनुसार वो खेल खेलते हैं और वैसे ही पात्र परिचय करते हैं और आपस में अभिनय करते हुए वे खेल खेलते हैं और अपने ज्ञान को संचित करते हैं। यदि हम बच्चे को खेलने से तो हम उसे सीखने